Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी. आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और उस रिडक्शन में चैप्टर नंबर 5 हट गया है, राइट? लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, चैप्टर नंबर 6 ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मुझे रिक्वायरमेंट होगी चैप्टर 5 की कुछ चीज़ों की, तो उसे उसी मोमेंट पे आपको बताता जाऊँगा. अगर आप लोग चाहें तो एक फेवर कर देंगे मुझे, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. चैप्टर 5 भले ही हमारे सिलेबस से हट गया है, पर फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके नोट्स ले लें, वो आपको हेल्प करेंगे. समझ में आ रही है बात? इससे फ़ायदा ये होगा कि बीच बीच में कुछ एक चीज़ें जब आएंगी ना, तो मैं जब उन्हें पढ़ाऊंगा तो मुझे लिखाना विखाने का चक्कर नहीं पड़ेगा. मैं उस टॉपिक को पूरा समझा दूंगा और आपको बोल दूंगा चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ लेना. समझ में आ रही है बात? वो आपको अभी भी काम आएंगे और कल को जब आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़ूँ आगे मैं फिर? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6, वर्क पावर एंड एनर्जी. तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन वर्क. क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? डिफाइन वर्क. तो भैया वर्क की अगर बात की जाए तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ये एक सरफेस है, दिखाई दे रहा है सभी को सरफेस? इस सरफेस पे, ये सरफेस है, फिर से बना दिया मैंने, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को ऑब्जेक्ट? अब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया. ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद अगर ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है और यहां तक आ रही है, यानी इसके अंदर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट? यानी फोर्स लगाने के बाद अगर ये बॉडी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पहुंच रही है, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है, इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द बॉडी. किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने पर अगर बॉडी अपनी पोजीशन से चेंज हो जाए या अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क इज डन ऑन द बॉडी. क्लियर? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है या बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पे वर्क किया जा रहा है. कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? अगर मैं जब बॉडी पे फोर्स लगाऊं, बॉडी अपनी जगह पे चिके ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो. भले ही आप कितनी भी ताकत लगा रहे हैं, पसीना आ जाए ताकत लगा लगा के, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में नेट वर्क डन जो होता है दैट इज ऑलवेज जीरो. जो बात बोली आपको पल्ले पड़ रही है? वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स लगा रहे हो आप, जब भी वर्क करते हो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है ना? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो हम इसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कहानी समझ में आ रही है जो मैंने बोला? किसी पट्टे ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो हम उसे बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ. मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं या मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकता हूं, बात एक ही है. वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बोल पाओगे? किसी ने भी पूछ लिया अगर आपसे वर्क क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सीन क्लियर है? सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं, W इज इक्वल टू, वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, इनटू डिस्प्लेसमेंट को D से, W बराबर FD. जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ये फॉर्मूला याद कर चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टकट हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना? ये इसका रामबाण फॉर्मूला, इससे आप कभी डिफीट नहीं खाओगे. क्लियर? वर्क इज इक्वल टू फोर्स
into displacement in the direction of force. Clear? Again, I repeat last time, work is equal to the product of force and displacement in the direction of force. Got it, guys? Clear hai sabhi ko? फटाफट डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. आगे बढ़ते हैं. कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मुझे फटाफट फटाफट बता देना. ये कुछ पुरानी बातें हैं, उसके बाद मैं आगे की कहानी पे आऊँगा इस चैप्टर में, है ना. तो मुझे एक बात बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है और बिल्ली इधर खींच रही है, तो मुझे बता सकते हो रिजल्टेंट कैसे जाता है? पढ़े लिखे लोग हो मतलब, है ना, सही बोल रहा हूँ? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी किसी ना किसी का रिजल्टेंट है. किस किस का? इसका और इसका. जानते हो? तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना आप लोग, ये सब आप जानते हो. मेरी दूसरी बात, अगर ये ए है और ये थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस? ए कॉस थीटा. व्हाट अबाउट दिस? ये भी मैं बता चुका हूं, सबको मालूम है. मैंने बताया था यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है ए, ये बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है, जैसे यहां पर ये बीच वाली लाइन इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो कॉस होता है, यानी इसे हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा, और बची कुची लाइन साइन हो जाती है. ये सब बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, और प्रूव करके भी बता चुका हूं ऐसा होता क्यों है. सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, ये तो आप लोग बता देते, मुझे भरोसा है आप लोगों पर. मुझे बताओ, क्या मैंने ऐसा कभी पढ़ाया था आपको? ये बताया आपको? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, पढ़े हम लोग? हम लोग शायद ये भी पढ़े, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर. अच्छा, जानता हूं. मुझे ये बता दो इनमें स्केलर प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला? ये वाला? इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पर इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से हमको हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं. मेरी बात वही समझ पा रहे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा है. क्लियर? ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट. यानी मतलब आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है. ये सारी कथाएं हम लोगों को क्लियर है, ऐसी उम्मीद करता हूं. करूं उम्मीद? चलो तो फिर आगे बढ़ता हूं. अब हम आगे की कहानी समझेंगे. इसके बाद नोट्सों में हमको एक नोट दिया हुआ है, उस नोट में क्या दिया हुआ है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. क्लियर? याद है बचपन में जब आप छोटे छोटे थे तो खिलौनों से खेला करते थे. आपको घर वालों ने एक ट्रक दे दिया था, उस ट्रक पे आप धागा लगा लेते थे तो ऐसे पकड़ के चलते थे, है ना, ऐसा होता था ना. सेम वही सिचुएशन आपके सामने ला रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. ये सरफेस है, ये आपका ट्रक है. क्या है? ट्रक. और इस ट्रक से बंधी है रस्सी, और आप इसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं. समझ गया ना मेरी बात को? यहां आप खड़े हो, ये रहे ठीक है, ये लेके जा रहे हो इधर. सीन क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? नजारा समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अच्छी बात है, आप महान है. बस ज्यादा मत चल रहा हूं, ये फोर्स है. सीन क्लियर है? अब एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट में ऐसे फोर्स लग रहा है तो लग रहा है, मामा क्या करते हैं, लग रहा है. अब ये जो फोर्स लग रहा है तो क्या इस फोर्स की वजह से ट्रक जाके हाथ की तरफ जावा शुरू करते हो? ट्रक कैसे डर गया हो आप बताओ? अच्छा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है. तो यू मीन टू से ट्रक यहाँ पहुंच जाओ? पहुंच जाओ नहीं पहुंच जाओ? तो मेरे हिसाब से ये डिस्प्लेसमेंट है नहीं है? क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है. क्या है ये? अच्छी बात है. ये जो फोर्स लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से, मैंने मान लिया थीटा डिग्री के एंगल पे लगाया जा रहा है. कितने डिग्री के एंगल पे लगाया जा रहा है? हाँ, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे लगाया जा रहा है. अब जाहिर सी बात है, फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो ये किसी ना किसी का, किस किस का रिजल्ट? जाका. क्लियर है? यू मीन टू से ये इसका और इसका रिजल्टेंट है. गॉट इट गाइस? अगर इतने ही समझ गए हो तो मुझे बता दो, जे एफ है, जे थीटा है, तो जे का है? एफ कॉस थीटा. जे? शाबाश.
अब आप गौर से देखिए, इस फोर्स को आपने फोड़ दिया दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब आप बताओ मुझे, आप बताओ मुझे कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है कि इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है? ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। तो है कोई माइकल जो मुझे ये बता दे कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? जोर से बोलो, चिल्लाओ मत, क्लियर है? समझ गए ना? क्लियर है? तो मुझसे पूछा जा रहा है ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा, ऐसी सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा। तो मैंने वैली ताजा ताजा पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब भैया मुझे डिस्प्लेसमेंट तो ये डी दिख रहा है, दिख रहा ना, दिख रहा हो, दिख रहा हो। अब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है? तो फोर्स की जगह क्या टांग दू? पानी समझ में आई? अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट बिकम्स डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। को परेशानी? ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है वर्क का। कभी भी कोई अगर आपसे पूछे कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो अगर आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट याद है तो एक जब हायर लेवल पे आप पहुंच जाओगे तो ये भी फेल हो सकता है, लेकिन एफ डी कॉस थीटा कभी फेल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है, सबसे व्यापक फॉर्मूला जो है ना, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कोई भी आपसे पूछे वर्क का फॉर्मूला क्या है तो ऑलवेज से एफ डी कॉस थीटा। क्लियर है? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ बस ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताना और सोच समझ के बताना, चुन चुन के पूछूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। W इज इक्वल टू मैंने FD cos थीटा लिखा है। मुझे ये बता दो, मैंने बचपन में ये जाना था A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं तो मैं एफ डी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। आपको समझ में आया? बच्चों ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट तो दिख रहा, जाके अलावा दूसरा नाम, और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो जहां तो मतलब इन दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिए थे, वो जो क्वांटिटी मिल रही है कैसी क्वांटिटी होगी? और अगर इस आज के बाद कोई आपसे पूछे कि वर्क कैसी क्वांटिटी है तो रट्टा मत लगाना, है स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, देन ऑलवेज से वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप ये बता दो, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आती है तो जल्दी से नोट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन हम लोगों ने, सब लोगों ने समझ लिया। इसी नोट में एक लाइन और लिखी थी, द यूनिट ऑफ वर्क इज एन एम और जूल, राइट? एन एम क्या है? जब मैं ही बताऊंगा, हाँ मैं ही बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर फाइव उड़ गया। देखो इम्पैक्ट आने लगा ना चैप्टर फाइव का, जरा सी देर में। वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ फोर्स है, एफ फोर्स है, फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। वैसे चैप्टर टू पढ़ते आ रहे हैं, कई जगह हमने न्यूटन यूज किया है, चैप्टर फाइव में आता है ये, पर अब फाइव ही उड़ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। अगर आप चैप्टर फाइव पढ़ के आए होते तो मुझसे ये नहीं पूछ रहे होते कि ये एन एम क्या है। क्लियर? खैर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट काय में नपेगो? डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ है, मीटर में नपेगी? नपेगी नहीं नपेगी? नपेगी। तो क्लियर? न्यूटन मीटर। अब बात आती है कॉस थीटा, कॉस थीटा का यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, टेंडे। आप बताओ, आप बताओ कॉस जीरो डिग्री कितना होता है? वन। ऐसे नहीं बोलते वन मीटर, नहीं बोलते ना वन किलोग्राम, केवल एक नंबर लिख लेते हैं। यानी कॉस थीटा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट्स का कभी कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कहानी समझ में आ रही है? तो कॉस थीटा अपने आप में केवल एक नंबर है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। कहानी समझ में आ रही है? तो किसी ने अगर मुझसे पूछा कि वर्क का यूनिट क्या होता है तो बोलना न्यूटन मीटर। क्लियर? याद भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का मीटर। कहानी समझ में आ रही है? इसके अलावा वर्क का दूसरा यूनिट होता है जूल।
क्या होता है? जूल। अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी। इसके अलावा अभी दुनिया भर की यूनिट होती है, बात करेंगे। फिलहाल जूल, क्लियर। वर्क को हम लोग जूल में भी नापते हैं और न्यूटन मीटर में भी नापते हैं। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? तो वो जो लाइन लिखी है उसमें न्यूटन मीटर और जूल पल्ले पड़ गया। आगे बढ़े, चलिए। हमारे को एक क्वेश्चन दे रहा है, उसमें मुझसे बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे था, थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट पे डिस्प्लेस हो गया। क्लियर? अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप न्यूटन, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जितनी भी चीजें दी हैं वेक्टर फॉर्म में दी हैं। बोलो। यस सर। अच्छी बात है, आप महान हो। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में पार्टिकल की पोजीशन ये दी है, दिए क्या दिए? 1, 1, -2। है कोई माइकल जो मुझे बता दे ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स। है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो, पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर व्हिच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, है ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इसे ऐसे लिखो, है ना। आर वन वैक्टर इज इक्वल टू 1i कैप, आगे आप बोलो। हाँ, आप महान हैं। सीन क्लियर है? अच्छा, उसके बाद फाइनल पोजीशन ये हो गई, यानी ये सेकंड पोजीशन होगी। बोलो क्या लिखूं? आर टू वैक्टर इज इक्वल टू माइनस 2j कैप। आओगे कोई परेशानी? आप महान हैं। बाकी बात फोर्स जे दे ही रहो पट्ठा मोए। वर्क डन मुझसे जानना चाहता है, जानना चाहता नहीं, जानना चाहता। तो मैंने बचपन में सुना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लिसन एवरीवन, फोर्स तो मेरे पास है, मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैंने बचपन में सुना था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर इज इक्वल, डिस्प्लेसमेंट को आप डी वेक्टर से भी शो कर सकते हो या एस वेक्टर से भी शो कर सकते हो। क्लियर है? तो डिस्प्लेस बोलने दो मोए। आर टू वेक्टर माइनस एस, ओपन, जानते ना जानते ही। ठीक है, तो एस वेक्टर इज इक्वल टू आर टू कितना है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। बोलो भैया। माइनस आर वन वेक्टर कितना है 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी? थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट खेल लूं। 5i कैप तो जी आते हैं, जे माइनस अंदर बिड़ जाओ तो कितने कह जाओ 5i कैप माइनस के 1i कैप 4i कैप। आप महान हैं। माइनस के 2j, माइनस के 2j और माइनस के 1j माइनस 3j कैप। क्लियर है? चलन दूं प्लस के 7k कैप और माइनस माइनस तो प्लस के 2k कैप 9k कैप। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या आ गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, एस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फोर्स की वैल्यू हमको दी है ये। वर्क पूछ रहा है पट्टा मुझसे, तो यारो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते थे, मैंने डी की जगह एस लिख दिया, तमाम होता ना, भूल लो है। चलो आगे, तो चलो अब बताओ, चमका दो। डॉट प्रोडक्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं किया आपने? नहीं। एफ वेक्टर जीरो एस वेक्टर जीरो, बोलो क्या लिखूं पहला? ए, समझ गए ना, टू का फोर से क्या आएगा? एट। आई कैप क्यों आएगा? आई कैप डॉट आई कैप तो वन हो जाता है ना। हाँ, माइनस थ्री का माइनस थ्री से क्या करूं? है प्लस नाइन। तुम तो माइनस नाइन कह रहे, पागल से जाने का है, तो चले आते हैं 7k और 9k कितना करूं? 63। टेबल तो आते होंगे ना 10 तक? शाबाश, वेरी गुड।
नालायको 63 और 8 71 71 और 9 80 80 क्या क्यों जूल वर्क है वर्क की यूनिट जूल क्यों न्यूटन मीटर नहीं लिख सकता जूल की जगह लिख सकते हैं सीन क्लियर है सभी को नोट डाउन कर ले फटाफट अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क क्या कह रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं कुछ चीजें मुझे आपको बतानी होंगी जो अब जरूरी हो गया है ठीक है ना ये चैप्टर 5 की चीजें हैं वैसे पर आप सुन लो ध्यान से सुनिएगा आपको बार बार काम आएंगी ये चीजें आगे भी ये डोरी है डोरी से ये पत्थर बना हुआ है और इस पत्थर को ऐसे घुमाया जा रहा है राइट गाइस ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ना सर्कुलर मोशन के लिए सबसे जरूरी चीज जो अनिवार्य है जो मैंडेटरी है उसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता वो है सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हाँ क्लियर विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है क्लियर और सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंट्रिपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो इस पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स काम कर रहा है जो कि सेंटर की तरफ लगता है फोर्स क्लियर इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल और इस सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम वी ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर पर अपने को फिलहाल एक याद रखो इससे अपन सारे निकाल लेंगे सारे काम कर सकते हैं समझ में आ रही है बात विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल ये हर जगह लगता है आप जैसे डोरी से पत्थर घुमाते हो तो आप सोचो डोरी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ते हो बोलो और उस सिरे से जब पत्थर को घुमाते हो तो कहीं ना कहीं उस पत्थर को आप इंटरनली सेंटर की तरफ खींच रहे होते हैं जिसकी वजह से वो घूमता रहता है अगर आप जैसे ही अपने हाथ से डोरी छोड़ दोगे तो क्या वो घूमता रहेगा नहीं वो अपने रास्ता पकड़ लेगा सही बोल रहा हूँ ऐसा होता है आप सोचो आप साइकिल चलाते हो तो जब आपको सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना होता है वैसे नॉर्मल साइकिल चल रही है तो बिल्कुल स्टैंडिंग मोड में चल रही है अब आपको साइकिल को ऐसे मोड़ना है समझ रहे ना साइकिल को ऐसे मोड़ना है तो आप अपनी साइकिल को थोड़ा सा झुकाते हो ना ऑटोमेटिकली आपकी साइकिल थोड़ी सी झुक जाती है क्यों क्योंकि आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भी आपको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है अब काय से मिलता है वो मिलता है आर साइन थीटा से अब आर साइन थीटा कहाँ आ गया चैप्टर 5 में गया क्लियर है समझ में आ रही है मेरी बात क्लियर और सुनो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पौगे चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स क्योंकि सर्कुलर मोशन के बिना तो सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता ये हमारा सन हो गया सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है ऐसे सही बोल रहा हूँ तो ये भी सर्कुलर मोशन है इसे भी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए तो जाए सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है तो सन अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है क्लियर यही ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है किस बात के लिए इसको ऐसे घुमाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए कहानी समझ में आ रही है क्लियर है हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो भी सर्कुलर मोशन है वो भी सर्कुलर तो बाय कहाँ से मिल रहा है तो भैया न्यूक्लियस पे ये न्यूक्लियस मान लो तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन मान लो समझ में आ रही बात इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं कौन सा फोर्स बोलते हैं तो यहाँ पर इसे घूमने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ रही है बात यानी विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल क्लियर है मैं पूछूंगा आपसे सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल क्लियर है बात समझ में आ रही है ये मैंने बातों में आपको एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स बता दिए चैप्टर 5 के खैर पर अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना ये बात अपने दिमाग में उतार लें विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल सीन क्लियर है ठीक है कल याद दिलाऊंगा आपको तो बता देना मुझे बाटे में जाने कब कराओ क्लियर
अच्छा दूसरी बात, ये बात तो मैं आपको पढ़ते में बता भी चुका हूँ, ये पत्थर है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, यहाँ पर आके मैंने इस पत्थर को अपने हाथ से छोड़ दिया, बताओ ये पत्थर कहाँ जाता है? कल पूछेगा तो मैं बता दोगे? पत्थर अगर ऊपर जा रहा होता है इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। क्या गलत कह दी मैंने? अच्छा गलत कह दी मैंने, अच्छा जानता हूँ, जानकार हूँ, समझ गए है ना। मेरी दूसरी बात, ये बात आती है फ्रिक्शन में, एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगा रहा हूं इधर, ठीक है जी, इस पर फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन समझते हो? जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब किया जाता है तो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लगता नहीं लगता? लगता। अब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी ये जो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा? ऐसे लगेगा। अरे बड़ी खुशी हुई मुझे, वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही बताया। सेगन ने ऐसे ही लगा तो है ना, को ऐसा वार हो तो नाने है नाने, ठीक है अच्छी बात है, मतलब आपको मालूम है फ्रिक्शन, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगाया जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्लियर? कल पूछूंगा तो बताओगे मुझे, अच्छी बात है। मुझे एक बात और बता दो, आपको याद है एक दिन था जब मैंने आपको 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यूज निकालना सिखाई थी साइन कॉस टेन में, आपको याद है? तो है कोई माइक अलाल जो मुझे बता दे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव वार हो, ये कहूँ मैंने? देखो ऑफिसर एक आदि बनता है, सब नेगेटिव वार है ये, मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी तो ऐसी सिचुएशन में कॉस थीटा नेगेटिव आएगा, जो बोला पल्ले पड़ा, अच्छी बात है आप महान हैं। क्या कॉस 90 कितना होता है बोलो ना, पर रहो कॉस 90 कितना होता है? तो सुन ले लला, वर्क होते हैं तीन टाइप के, कितने टाइप के होते हैं वर्क? एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है जीरो वर्क। कहा कहीं मैंने कितने टाइप का होता है वर्क? कौन कौन सा? आप महान है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। वन बाय वन हम एक एक करके देखेंगे, तैयार हैं? अभी मैंने जितनी भी भाषाएं बोली आपको सारी का ज्ञान है, आ जाओ। सबसे पहला लेसन, पहले तो मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ जिससे आपको याद इजीली हो जाए, ठीक है? वर्क कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? हाँ, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। आप महान है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो होता है। क्लियर, समझ में आ रही बात? किसी ने पूछा वर्क कितने टाइप का होता है, तो भैया तीन टाइप का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वर्क डन नेगेटिव होता है, व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री वर्क डन पॉजिटिव होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन जीरो होता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हैं हमें इसके एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, ठीक है? तो गौर से देखते हैं, पहले मुझे बताओ उसके बाद मैं एग्जाम्पल पे आऊंगा। मुझे एक बात बताओ, ये मार्कर देख रहे हो आप? दिख ही रहा हो वो जो दिख रहा है? कितना डिग्री का एंगल है? सिर्री बता देगा? अब ये 90 तो कम है या ज्यादा है? अब जीरो, एक ही डायरेक्शन में आ गया तो एंगल जीरो डिग्री, बोलो कब? सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है जीरो है। अब ये जीरो से बड़ा है या छोटा? कितना हो गया? कितना हो गया? जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। कॉस 180 की वैल्यू बढ़ाई थी मैंने उस टाइम पे, कितनी होती है? माइनस वन, चुप रहा, माइनस वन। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन, बताया था ये। आ जाओ इधर, एक बात और बता दो यार, ये देख रहे हो? छोड़ू इसे, छोड़ू जी, आप हो छोड़ दो। जैसे ही मैंने छोड़ा आप कहाँ गए? क्यों गए नीचे?
क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। आपको मालूम है ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगता है? सी चुप रहे एम जी, कितना? जैसे मान के चलो मैं तुम्हें ना पांचवें माले पे ले जाऊं, मध्य छोड़ू, तो कितना मजा आएगा ना आपको, वाओ यार क्या फीलिंग है। क्लियर है ना? लिसन एवरीवन, आज के बाद ये काम मैं रोज करके करेंगे। जैसे मैं कोई चीज ऊपर तेज छोड़ता हूँ, तुम बोलना मजे, मजे बोले तो एम जी, समझ गया ना? क्यों लगता है सुनो, ये भी रीजन बता देता हूँ आपको, इधर देखेंगे सभी लोग ध्यान से, ये जमीन है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे ही यहाँ छोड़ा तो अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। लाती नहीं लाती, कोई माइकल लाल जी मुझे फोर्स का फॉर्मूला बता दे, मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन से चैप्टर में बताओ तो? सेकंड में। और जब ग्रेविटी में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक ही जगह क्या आ जाता है? जी। तो कितना फोर्स लग रहा है? मजे, मजे। समझ में आई बात? आज के बाद अगर कोई चीज है मैं जो छोड़ता हूँ तो आप क्या बोलोगे? नहीं मजे तो ठीक है पर एम जी, समझ में आई बात? मतलब ग्रेविटी की वजह से इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? तो सुनो, फर्क होते हैं तीन टाइप के, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। सबसे पहले बात कर रहा हूँ पॉजिटिव वर्क। लिसन एवरीवन, ये जमीन है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ्रीली ड्रॉप कर रहा हूँ, माइंड इट, जब फ्रीली ड्रॉप कर रहा हूँ तो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? नीचे। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो गया एफ और डी के बीच का? जीरो डिग्री का एंगल हो गया। एफ और डी सेम डायरेक्शन का ही हवाल बता दो तो? तो मैंने अभियानी बचपन में पढ़ा है डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। बोलो भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली यहां से ड्रॉप करूं तो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? यहाँ जो थीटा एंगल होता है एफ और डी के बीच का होता है, तो थीटा की जगह मैंने दे जीरो, कॉस जीरो, वन का मल्टीप्लाई एफ डी से करूंगा एफ डी, तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव। जब कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव ही माने, माने नहीं मानेंगे, सीन क्लियर है? तो ये पॉजिटिव वर्क क्यों हुआ, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले पॉजिटिव वर्क पढ़ लो, फिर मैं दूसरा बताऊंगा आपको। पढ़ो फटाफट फास्ट। अगली बात, थीटा जीरो आ रहा था, लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। इधर आओ भाई, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे इधर की तरफ ढका दिया तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट कौन सी तरफ हुआ? इस तरफ। ऐसे हुआ? Yes, हुआ नहीं हुआ? Yes, हुआ। इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? ऐसे। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितने डिग्री का एंगल है? 180। अब ऐसी सिचुएशन में कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एफ मान लिया, डिस्प्लेसमेंट डी, कॉस थीटा कितना रखूं? कॉस 180 कितना होता है? माइनस वन का एफ डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एफ डी, तो कहानी क्यों आई नेगेटिव, समझ में आई बात? तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अब बात आती है जीरो वर्क। जीरो वर्क की अगर बात आती है तो गौर से देखिएगा, जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, कुली है, कुली क्या कि चांद पे सूटकेस धरो है, कहा धरो है? सूट के जा कुलिए दबावे की कोशिश करेगा कित को? नीचे को, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से सूटकेस पर लगातार नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, लग रही है नहीं लग रही है, तो फोर्स हो गया ऐसे। अब कुली जा रहा है जालंग, तो सूटकेस को डिस्प्लेसमेंट कौन सी लंग हो? जालंग। ऐसे फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, कितने डिग्री का एंगल है वो? तो कोई पूछे कितना वर्क डन हो गया, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? जीरो का मल्टीप्लाई एफ डी से करूंगा। समझ में आई बात? नहीं आई? को पट्टा मोते जो कह रहे हो कि भैया ये डोरी है, जाते जाए खंडा बंधो है, जाए सर्कुलर मोशन में घुमाए रहा हूँ, तो बताओ इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। अच्छा, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो तो जाए कहाँ चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? सेंटर की तरफ। आपको पूछे क्या मैं वर्क डन कितने हुआ तो डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, जीरो।
नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? Yes, sir. तो किसी ने अगर हमसे टाइप्स ऑफ वर्क पूछ लिया तो आप लोग बता दोगे? Yes, sir. ठीक है, तो कल इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा. आज के लिए पर्याप्त है. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस. जय हिंद.